Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing redox reaction, and in this lecture we will discuss about the oxidation number. This is video lecture number 3. I hope you have already watched part 1 to part 2 before watching this part 3. And now we are going to discuss about the oxidation number. What is oxidation? So before discussing oxidation number, चलिए पहले सबसे पहले समझते हैं कि covalent compound जो बनता है उसमें क्या होता है. उसमें जैसा कि आपको पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. यूजुअली हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने पे चार्ज जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है. इलेक्ट्रॉन की पूरी ट्रांसफर नहीं होती बल्कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है. यूजुअली हम ये समझते हैं कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, तो इसमें हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चला जाता है और इस तरीके से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं होता है, शेयरिंग होती है. और शेयरिंग होने से जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसकी तरफ चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाता है. और चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्लोरीन का रिएक्शन हुआ H2 + Cl2, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनता है 2HCl. इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है, जो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, ये 2, 4, 6 and 1, 7. नाउ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड टूगेदर, दे हैव शेयर्ड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच, एंड देयर फोर ए बॉन्ड लाइक HCl इज फॉर्म, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. ये सब आपको पहले से पता है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. इस बॉन्ड में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफर क्लोरीन पे नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है. शेयरिंग करने पे दोनों एलिमेंट के नेचर एक जैसे नहीं है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है दूसरे के मुकाबले, तो ये बॉन्ड को अपनी ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट ज्यादा कर लेता है. ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से, बिकॉज बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस क्लोरीन पार्शियली, सो पार्शियली चार्ज विल बी देयर, चार्ज शिफ्टेड फ्रॉम टूवर्ड्स क्लोरीन, चार्ज जो है क्लोरीन की तरह शिफ्ट हो जाता है. सो हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव नेचर का होता है, और क्लोरीन जो है वो पार्शियली निगेटिव नेचर का होता है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव. यहां पर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुई है. इसी तरीके से अगर और हम एग्जाम्पल लें, तो ये क्या कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टूगेदर. सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके और ये क्या बनाते हैं? 2H2O, राइट? O2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इन दीज टू रिएक्शंस, यहाँ पर भी हम ये मानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए उस पर +1 चार्ज हो जाता है, और चूंकि ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए उस पर -2 चार्ज आ जाता है. बट ऐसा होता नहीं है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसका गवाही ये है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता ही है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ हो गई और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ हो गई. बट होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ये बॉन्ड को अपनी ओर थोड़ा ज्यादा खींच लेता है. अपनी ओर थोड़ा ज्यादा खींच लेने की वजह से इस पे जो है वो चार्ज शिफ्ट हो जाता है, और दोनों हाइड्रोजन से पार्शियली एक एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने की वजह से इस पे -2 चार्ज डेवलप हो जाता है. तो इस तरीके से हमने देखा कि कोवेलेंट आयोनिक कंपाउंड के केस में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर हो रही है,
इसलिए चार्ज जो है, जैसे सोडियम क्लोराइड की हमने बात किया था, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे ट्रांसफर हो जा रहा था, इसलिए सोडियम पे प्लस चार्ज बन रहा था, क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज डेवलप हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड नहीं बन रहा, यहाँ पर बन रहा है कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि इसमें बॉन्ड तो बनता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बट बिकॉज वन ऑफ देम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर एंड देयरफॉर इट अट्रैक्ट बॉन्ड टुवर्ड्स देमसेल्व्स एंड देयरफॉर पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन दोज एलिमेंट व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दोज व्हिच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दे हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। और CH4 में अगर Cl2 से रिएक्शन कराएं तो ये CCl4 बनता है प्लस HCl बनता है। इसमें भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ये मीथेन है इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जा रहा है, और ये हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय क्लोरीन। सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड दैट इज वाई इट इज कंबाइंड टूवर्ड्स कार्बन and therefore carbon is oxidized and this is carbon is oxidized and hydrogen is removal of hydrogen and removal H connected towards carbon की oxidize हो रहा है। और क्या हो रहा है hydrogen के साथ, क्या हो रहा है यहाँ पर, carbon जो है वो oxidize हो रहा है और chlorine जो है वो reduce हो रहा है। यहाँ पे carbon जो है वो oxidize हो रहा है, oxidized right, oxidation हो रही है carbon का और क्लोरीन का रिडक्शन हो रही है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है। इसमें क्या है कि जो हम मानते थे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, अभी जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है बल्कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, स्लाइटली शिफ्टिंग होती है, कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, स्लाइटली शिफ्टिंग होती है। जबकि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक एटम से निकलकर दूसरी एटम पे चला जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट लॉस ना होकर के पार्शियल शिफ्टिंग होती है, और इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि पार्शियल शिफ्टिंग होती है, और जिधर से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है उसको हम कहेंगे कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिस पर शिफ्टिंग हो रही है उसको हम कहेंगे कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है राइट तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ से दूर धकेल रहा है, दूर भेज रहा है, वो पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करता है, चार्ज को शिफ्ट करता है, उसको हम क्या कहेंगे कि उस पर वो निगेटिव चार्ज और निगेटिव स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को डाई निगेटिव स्टेट, यानी डाई निगेटिव स्टेट का मतलब हुआ कि 2- चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसके दो हाइड्रोजन जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है जैसा कि हमने कहा। तो यहाँ पे हो जाता है क्या, डाई निगेटिव ऑक्सीजन विल बिकम डाई निगेटिव लेट मी राइट हियर, ऑक्सीजन will become dienegative का मतलब हुआ कि oxygen will be 2- like this, और hydrogen जो होता है वो positive state में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि oxidation जो होती है वो किसी भी element का oxidation number या oxidation state कहते हैं। ये एक नंबर होता है जो चार्ज ट्रांसफर के जरिए पहचाना जा सकता है कि कितनी चार्ज कहां से किधर की ओर ट्रांसफर हो रही है। चार्ज ट्रांसफर होने के लिए चाहे वो पार्शियली ट्रांसफर हो चाहे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, चार्ज ट्रांसफर जिधर से होगा
उधर से हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग उधर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, आएगा, एक्सेप्ट करेगा जो सब्सटेंस, या जिधर की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी उसको हम कहेंगे, चाहे पार्शियली नेगेटिव शिफ्टिंग हो या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम कहेंगे कि वहां पे उस एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चार्ज की शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, उस शिफ्टिंग को काउंट करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, उसका कैलकुलेशन रखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप की गई। वेल नोन फॉर्मूला फॉर ऑक्सीडेशन नंबर इज यूज्ड, वेल नोन ऑक्सीडेशन नंबर टर्म, ऑक्सीडेशन नंबर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, फ्रॉम वन इन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। तो इसका हिसाब किताब करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कंपाउंड of an element in a compound, right? It ascertaining the formulation of ascertaining a set rule formulated on the basis of the concept that incovalent bond one of the element is more electronegative than the other, right? तभी तो partial shift होगी। अगर same strength के same electronegative होंगे तो partial shift नहीं होगी। जैसे हम कोवैलेंट बॉन्ड तो Cl2 में भी बनता है, H2 में भी बनता है, O2 में भी बनता है, लेकिन इसमें कोई पार्शियल शिफ्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि Cl2 में क्या होगा, Cl2 में दोनों ही क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनते हैं, और दोनों के एक ही एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट के दो एटम्स हैं, इसलिए इसमें कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और कोई लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है। इसी तरह से O2 की बात करें तो इसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं होगी कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दोनों है तो ऑक्सीजन ही, तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है। तो कोवैलेंट बॉन्ड वहां पर जहां पे दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट बने तो एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगी वो दूसरे के मुकाबले क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये नंबर ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड की, वह जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी इसमें से। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो देने वाले की क्या होती है, पॉजिटिव स्टेट होती है, और लेने वाले की क्या होती है, एक्सेप्टर की क्या होती है, नेगेटिव स्टेट होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड डिनोट्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट का केमिकल रिएक्शन में ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का डेवलपमेंट किया गया।
So the oxidation number develop to keep track record of electron shifting in chemical reaction. ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए किया गया, और ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। आई होप यू गॉट इट। इसके कुछ रूल्स हैं जिसके रूल्स के आधार पर हम ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमने लिखा है पिछले डेफिनेशन में कि सेट रूल। रूल क्या है, उसी रूल की बात करते हैं। तो रूल ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट राइट इन ए कंपाउंड। ठीक है, तो ये पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है, whenever an atom or molecule of an element, found in free state in nature, their oxidation number is zero। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी चीज जो नेचर में जो फ्री में मिल रहा है उसका फ्रीली है फाउंड किया जा सकता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। जैसे कार्बन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। हम ऑक्सीजन की बात करें, ये मॉलिक्यूल हो गया, एक ही एलिमेंट का है, लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट का हो, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। क्लोरीन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। कॉपर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, जीरो। तो जो चीज फ्रीली नेचर में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो, Cl2। ठीक है, इसी तरह से ओजोन, O3, S8, P4, etc. These all are made of atoms of same element. So that is why whether it is an atom or it is a molecule, but of an element, एक ही element के हों, तो ये सारे जो हैं वो free होते हैं और इनकी oxidation number free state में क्या होती है, zero, unless and until ये कोई compound के साथ जुड़े। लेकिन जब कोई भी एक से ज़्यादा different type के एटम्स कंबाइन करके कोई मॉलिक्यूल या आयन बनाते हैं, तब इतना आसान नहीं होता कि ऑक्सीडेशन नंबर को और ऑक्सीडेशन स्टेट को आसानी से कैलकुलेट कर लिया जाए, तब आपको निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि Na2S2O3 ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना हो तो ये डिफिकल्ट काम है, इतना आसान नहीं है कि हम इतनी आसानी से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को पता कर लें। किसी भी एटम के, जैसे सल्फर एक एटम है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को पता करना हो तो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू दिस। इसी तरह से कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कितनी हुई ये इसमें पता करना भी डिफिकल्ट होगा। इसी तरह से अगर हम कोई आयन की बात करें, Cr2O7 2 minus, ये 2 minus का मतलब ये हुआ कि इस पे चार्ज है, polyatomic ions हो गए, और इस आयन में इसको हम कहेंगे polyatomic ions, this is called poly
polyatomic ions, polyatomic ions, right? तो इस तरह का ये ions है, इस पे चार्ज है, यहाँ पे ये चार्ज है, इसलिए ये आयन हो गया। और ये क्या है? ये है कंपाउंड। ये क्या है? कंपाउंड, कंपाउंड विच इज मेड ऑफ मोर देन टू एटम्स। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता है जैसा कि इनमें होता है। तो क्या करते हैं? तो इस केस में थ्योरी ये अपनाई गई कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन दैट कंपाउंड, राइट। तो ये थ्योरी लगाई गई। फिर भी रूल जो है वो एक सर्टेन करता है कि हम किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। तो पहला रूल जो है वो ये है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का अगर फ्री स्टेज में है, नेचर में फ्रीली मिल रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी जीरो। फ्री में मिल रहा है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बनता नहीं है, इसलिए उस पर जो होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि नहीं है, कुछ बन रहा है, तो उस पर चार्ज कोई एक्वायर होगा नहीं, और चूंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी नहीं, तो इसलिए उसको क्या माना जाएगा कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। अगला रूल ये बना, सेकेंड रूल की बात करें अगर, तो कि इफ एनी आयन, उसमें तो बहुत ज्यादा एटम्स थे, अगर कोई आयन, एनी आयन कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन एलिमेंट देन द चार्ज ऑन एन एटम represent the oxidation state of that atom. For example, if I am saying Na plus, इसका मतलब है कि sodium का oxidation state क्या है? Here oxidation state will be 1. Mg2+, इसका मतलब इसकी oxidation state क्या है? 2 है. So oxidation state in that case will come up here. Oxidation state जो होगा वो होगा इसका यहाँ पे plus 1, यहाँ पे plus 2, like this. इस तरह से Fe3+, Cl- O2-, like this. So these are here oxidation numbers are changing here plus 3, minus 1, minus 2, like this. So these are oxidation state. So the charge acquired by an atom or a molecule, there will be, that will represent the oxidation state of that atom or molecule, right? Atom or molecule, sorry, बार बार यहाँ पे हम O2 लिख पा रहे हैं, O माइनस, ठीक है। तो ये 2 माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है 2 माइनस 2, पर लिखना था हमें, हमने नीचे लिख दिया 2 माइनस, ऐसे 2 माइनस, जैसे यहाँ 3+ लिखा वैसे 2 माइनस, तो ये है ऑक्सीजन की 2 माइनस। इस तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ये रिप्रेजेंट करता है अगर ये कोई भी एटम जो है वो चार्ज एक्वायर करता है, यानी ये आयंस है, ये सारे आयंस हैं, इन पे चार्ज है, और चार्ज इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा जो रूल है वो रूल ये है, वो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में करता है रिप्रेजेंट। सो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन
H2-, right? H2-. ये होता है. But there are few different circumstances. Some exceptions are there. Exceptions. What are those exceptions? First, in peroxide, like H2O2, hydrogen peroxide, sodium peroxide, N2O2, right? The oxidation state of oxygen, oxygen is -1. कैसे? ये देखिए, यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का हम ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना चाहते हैं, हाइड्रोजन का +1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का x मान लें तो x into what 2 एंड टोटल इज व्हाट 0, बिकॉज ये फ्री नेचर में है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे टोटल चार्ज क्या हो गया 0. इस स्थिति से ये निकल जाता है कि 2x = -2 एंड देयरफॉर x = -1. इस तरह से सोडियम और पेरोक्साइड के केस में होगा कि सोडियम की होती है +1 × 2 क्योंकि दो सोडियम है और ऑक्सीजन की हमें मालूम नहीं, मान लेते हैं x, तो x × 2 = 0, तो यहाँ पे होगा 2 × +1 = +2, दैट इज 2 प्लस 2x = 0, 2x = -2, x = -1. तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब बनेंगे या सोडियम पेरोक्साइड बनेगा तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का 1 होता है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए. तो एक ये इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सुपर ऑक्साइड जब बनेगा तो उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ होगी. इन सुपर ऑक्साइड केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, इन सुपर ऑक्साइड व्हाट विल बी दैट, द ऑक्सीडेशन स्टेट इन सुपर ऑक्साइड विल बी -1/2. फॉर एग्जाम्पल, सुपर ऑक्साइड किसे कहेंगे, ये देखिए KO2, Rb रुबिडियम ऑक्साइड, RbO2 एटसेट्रा. इसमें अब हमें कैलकुलेट करना है, मान लीजिए ऑक्सीजन का हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पोटेशियम जो है, ये है K means पोटेशियम, K is पोटेशियम, और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, पोटेशियम, K is पोटेशियम. सो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या, +1. ऐसा क्यों कह रहे हैं, जो अल्कली ग्रुप का कोई भी मेटल होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, यानी फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा, मेटल होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है. सेकेंड ग्रुप का यानी अल्कालीन मेटल का कोई भी ग्रुप का होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, और बाकी के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के लिए जो उसका ग्रुप नंबर है उसमें से 10 को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है. तो पोटेशियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1. फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल है इसलिए इसका +1. अब ऑक्सीजन का हमें मान लो कि नहीं मालूम, मान लेते हैं चूंकि हमें तो प्रूफ करना है ना, तो ये हो गया 1+ ऑक्सीजन का x है x × 2 = 0 क्योंकि ये फ्री नेचर में है, और फ्री नेचर में है तो इसलिए इस पे क्या होगा, नो चार्ज. तो 2x = क्या हो गया, -1. x = क्या हो गया, -1/2. तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस स्टेज में -1/2 होता है. सिमिलरली यहां पर भी हम कर सकते हैं कि रुबिडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वही 1 और इसका 2x, 2x + 1 = 0, सो x = -1/2 आएगा. तो इन सब चीजों में, जैसे ये सुपर ऑक्साइड इसको कहते हैं कि पोटेशियम ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड एंड रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, इन सुपर ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो होगा -1/2, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी इसी तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलेगा.
तो सुपर ऑक्साइड के केस में ये हो गया माइनस। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो निगेटिव होता है। इन सब केसेज में क्या क्या आया, या तो माइनस टू या माइनस वन या माइनस हाफ। सो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आर कैन हैव माइनस टू, माइनस वन एंड माइनस हाफ, ये आ गए। अब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है क्या, क्या ऑक्सीजन के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं? यस, देर आर सम केसेज इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी पॉजिटिव। जब ये जब यह दूसरे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंड, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंड, सॉरी, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंड विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, फॉर्म अ कंपाउंड। बताया था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव आने के से क्या होगा, देने की एबिलिटी होगी, कम निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव वाली एलिमेंट को देने की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, इसलिए पॉजिटिव स्टेट में जाएगा, और जो लेने की स्थिति में होगा वो निगेटिव स्टेट में जाएगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जैसे एक भिखारी है और दूसरा उससे भी ज्यादा भिखारी है, तो पहला भिखारी दूसरे भिखारी को जो बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है, उसको कुछ दे पाएगा। इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में कि हम वर्ल्ड बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, इंडिया में लोन लेते हैं, और अपने से गरीब देश जैसे भूटान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, इनको हम अरबों डॉलर में दान दे देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन के मुकाबले कोई दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ ये कंपाउंड बनाता है, तो वैसी स्थिति में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो पॉजिटिव स्टेट होगी, ये देने की होगी, और चूंकि देने की स्टेट में रहेगा ये डोनेशन की स्टेट में होगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रो स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो पॉजिटिव होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, फ्लोराइड राइट, डाई फ्लोराइड OF2। अब इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैलकुलेट करते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। फ्लोरीन जो है इसका माइनस वन होता है, तो आप कह सकते हैं x प्लस माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू जीरो, यानी x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस टू। सो ऐसी स्थिति में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो क्या होगी, प्लस टू। ये कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी ऐसी स्थिति में जब ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन के साथ डाई फ्लोराइड बनाएगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो ऐसी स्थिति में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो होगा प्लस टू। सिमिलरली डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाया अगर, तो डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइफ्लोराइड, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, O2F2। ऐसा अगर कोई कंपाउंड बने तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का अगर x मान लें तो x इंटू टू, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, और फ्लोरीन का तो माइनस वन होता है, और दो फ्लोरीन है तो इंटू टू इज इक्वल टू जीरो, यानी 2x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू टू, एंड देयर फोर x इज इक्वल टू प्लस वन, वन आएगा जो कि पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरह ये ट्रीट करेगा, क्योंकि फ्लोरीन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उसके मुकाबले जैसे दो कर्ज लेने वाले लोग हों, एक आदमी के पास कम कर्ज हो और दूसरे आदमी के पास ज़्यादा कर्ज हो, तो कम कर्ज लेने वाला ज़्यादा कर्ज लेने वाले के मुकाबले थोड़ा अमीर कहा जाएगा,
उसी तरह की बात है यहाँ पे भी कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसको हम कहेंगे कि इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, देने की होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन का होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो प्लस टू भी हो सकता है, माइनस प्लस वन भी हो सकता है, और पीछे हमने बताया था माइनस हाफ भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है और माइनस टू भी हो सकता है। दीज आर सेवरल केसेज विच इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी पॉसिबल इन डिफरेंट कंपाउंड्स। तो हम ये पिछले स्लाइड पे चलते हैं, क्या कि निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू माइनस वन एंड हाफ होती है, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो होगा कितना, प्लस टू प्लस वन, ये होता है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग सर्कमटांसेज में अलग अलग कंपाउंड के हिसाब से निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इसलिए आप ये ना समझें कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसा कि पीछे हमने दिखाया कि हाफ माइनस हाफ जो होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑक्सीजन का जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके साथ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली पॉजिटिव एंड देयरफॉर इट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन। बट हियर इज ऑल्सो एक्सेप्शन, इन केस ऑफ बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी मतलब होता है बाई मतलब होता है टू और नरी मतलब दो नंबर, तो दो नंबर यानी ऐसे कंपाउंड जिनकी संख्या सिर्फ दो एलिमेंट से हो बनी हो, बाइनरी कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस वन बिकॉज इट फॉर्म हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें सिर्फ दो एटम्स हों और डिफरेंट टाइप के हों। तो जैसे हम कहें कि लिथियम हाइड्राइड, तो लिथियम और हाइड्राइड LiH, इसमें हाइड्रोजन की होगी कितनी, हाइड्रोजन की X मान लो, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है इसलिए इसमें प्लस वन होगा, प्लस वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन। इसी तरह से सोडियम हाइड्राइड की बात कर ले तो इसमें भी क्या होगा, माइनस वन, ठीक है। कैल्शियम हाइड्राइड की बात कर ले तो इसमें भी क्या होगा, माइनस वन। तो इस तरह से जहां पे भी हाइड्राइड बनेंगे वहां पे इसकी क्या होगी, माइनस वन। जैसे कैल्शियम का 2 होता है और इसका x into 2 is equal to 0, तो 2x is equal to minus 2 and therefore x is equal to minus 1। तो इस तरीके से जब ये हाइड्राइड फॉर्म बनाएगा या बाइनरी कंपाउंड बनाएगा तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव होती है, अदरवाइज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो अब पांचवा रूल की बात करते हैं। फिफ्थ जो रूल है वो बताता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, दिस रूल स्टेट अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन। सो इन हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन इसमें स्पेशल है, फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन, बट फॉर अदर एलिमेंट्स
of halogen family. Halogen. Other halogen family like chlorine, bromine, iodine has oxidation number minus one usually. But when they combined with oxygen, then their oxidation state will change variably. Any variable hoga. That is, for example, in case of oxo acid and or amino acid, oxo amino. तो इस सबके केस में क्या होगा कि इस केस में जो होगा वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन ना होकर के क्या होगा पॉजिटिव होगा. इन केस ऑफ दिस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैज आर पॉजिटिव. माइनस वन ना होकर के क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है. पीछे अभी हमने एग्जांपल लिया है, ये होते हैं पॉजिटिव. ठीक है, तो इस तरीके से ये पांच रूल हैं. एक छठा रूल भी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और सिक्स्थ रूल क्या है उसको हम समझते हैं. व्हेन अ कंपाउंड इज फ्री इन नेचर दैट इज इन नेचुरल फॉर्म then there is no charge on it. Therefore the algebraic sum of all oxidation number of all atoms of the compound will be equal to zero. But in case of ions, right? For example, if I am writing CO2, then what will be the oxidation state? CO2 is a molecule, and which oxidation number of C plus oxidation number of O, two atom of oxygen, will be equal to zero. Oxidation number of carbon, right, plus oxidation number of two atom of oxygen must be equal to zero. Right, I hope you got it. Now in case of ion, suppose CO3 2-, this is an ion, carbonate ion, where minus 2 charge is given, then in that case the algebraic sum in case of ions the algebraic sum of
oxidation number of all atoms of the compound is equal to the charge held by the compound, right? Charge held by the compound. So कैसे, जैसे यहाँ पे होगा, इस example की बात करें तो यहाँ पे होगा कि oxidation number of carbon plus oxidation number of 3 atom of oxygen must be equal to -2, right? So in this way we can find the oxidation number of an atom which is not known, even we can calculate. For example, in this carbonate, what will be the oxidation? Say oxidation number of carbon we don't know, and we have to calculate. This will be helpful to calculate the oxidation number of any atom, say X. And oxidation number of oxygen in other cases is -2, but there are 3 atoms, so multiply by 3, that is equal to -2. In that way, what will happen? X is equal to -2, and -2 into 3 is -6, is equal to +6. And what is that? 4. So oxidation state is what? 4. Oxidation state of carbon is +4. So I hope you got it. These are the rules. These 6 rules will determine the oxidation state, oxidation number, and these rule will be very very helpful to calculating and finding the oxidation number of any atom which you don't know, right? Sometimes oxidation state को हम compound के साथ ही लिख देते हैं, जैसे stannous chloride आपको लिखना है, तो इसको लोग लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कैसे लिखेंगे? Oxidation state किसी particular element का लिखना है, जिस atom का usually हमें पता नहीं है, तो उसका oxidation state लिखा जाता है और उस compound के formula के साथ ही लिखा जाता है. SN और 2 ऐसे रोमन में लिख दिया जाता है, Cl2, तो ये हो गया stannous chloride. इसी तरह से stannic chloride जो बनेगा उसमें oxidation state क्या होगी, SN ये 4 लिख दिया रोमन में, Cl4, ये हो गया इसकी 4 इसकी 2. कैसे, ये अगर कैलकुलेट हम करना चाहें stannous, मान लीजिए कि ये आपको अनोन है एटम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता नहीं है, तो व्हाट विल राइट, से x एंड क्लोरीन का तो आपको पता है ना कि -1 होता है, -1 × 2, और ये फ्री एलिमेंट है तो 0. तो ऐसी स्थिति में इस x की वैल्यू आ गई कितनी, 2. -2 विल कम दिस साइड 2, यही यहां पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है रोमन अंक में, रोमन लेटर्स में. इस तरह से स्टैनिक क्लोराइड का अगर इसमें निकालना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका ले लिया x और इसका क्लोरीन का -1 × 4, तो ये इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4. तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का नंबर बताता है, और ये हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के जरिए कितनी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है वो हमें पता चल जाएगा. तो ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि ये एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी के जरिए कितनी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है कोई भी एटम्स, ये पता चलता है. और किसी कंपाउंड में किसी एटम की एबिलिटी कैसी है उसको पता कर सकते हैं. तो आई होप यू गॉट इट, एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. और ये अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो फिर हम अगली क्लास में इसके आगे बात करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू. सो अगली क्लास में पढ़ के आना अच्छे से, और फिर हम अगली क्लास में नई बात करेंगे. आई होप यू गॉट इट, गॉड ब्लेस, बाय बाय, थैंक यू.